कभी असर लगा नहीं कि उसकी आर्मी की तरफ उसका उसका जो काव है, ये उसका जो इच्छा थी कि मैंने मेडिकल लाइन में मैंने जाना है और एक एक सर्जन बनना है। अच्छा, मगर उसका एक दो नंबरों से उसकी एडमिशन नहीं हो पाई, तो उल्टा हमने उसको यह भी कहा भी हम कहीं डोनेशन देके आपको आपको किसी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। तो मुझे कहने लगा कि मैंने ठप्पा लगा के नहीं आता, अगर मैं सर्जन बनूंगा तो अपनी मेहनत से बनूंगा, तो मैंने ऐसे ठप्पा लगा के नहीं आता। तो उसके बाद है ना, जो उसका जो प्लस वन और प्लस टू था, तो अभी जो केवी है कहते हैं कि होल्टा गंट है हमारे बगल में, तो होल्टा गंट में उसे प्लस वन और प्लस टू किया, तो हो सकता है उधर आर्मी केंद्रीय विद्यालय में बिल्कुल कैंपस में था आर्मी के, तो हो सकता है आर्मी ऑफिसर को देख के सैनिकों को देख के उसके मन में आया हो, मतलब एक जो उसमें और थी, he was exceptionally honest, उसको जैसे आजकल भ्रष्टाचार है ये है उसको अच्छा नहीं लगता, तो हो सकता है उसको आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम सब के लिए उदाहरण है, ईमानदारी से भी हम लोग कहां से कहां पहुंच सकते हैं जो जो हम आम सिविल लाइफ में हम नहीं देखते, नहीं उनका अनुशासन, उनकी ईमानदारी, उनका डेडिकेशन और देश के प्रति उनका जो लगाव है वो हम सब के लिए एक उदाहरण है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि उधर से उनको उनके दिमाग में ऐसी ऐसी छाप मत आई हो। तो जब जब आर्मी में भी थे तो उनको उनको मेडिकल में थोड़ी सी दिक्कत आई, तो एक महीना 18 दिन उन्होंने आईएमए में लेट उसे ज्वाइन किया था, तो जब लेट ज्वाइन किया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा भी इसका आईएमए जो है ना जो ट्रेनिंग है इसको एक टर्म और ऐड इसका होगा, ऐसे नहीं इनका कंप्लीट जी, मगर वे इतना डेटर माइंड था भी किसी भी चीज को किसी की एम के पीछे जब लग जाते थे तो वे उनको पूरा करके ही छोड़ते थे, तो ये हमारे लिए नहीं, ये उधर कई आर्मी के ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि सौरभ ने इतने कम समय में अपना टर्म जो है कंप्लीट कर लिया। सही कर। बचपन में सौरभ कैसे थे? बच्चे बचपन में बहुत शैतान होते हैं, क्या शैतानियां कुछ करते थे या बहुत सीधे साधे थे अपने भाई के साथ या बाकी फ्रेंड के साथ, कैसे थे उनके? ना उनका जो लगाव था वो हिल्स की तरफ था। अच्छा, हाइकिंग करना ऐसे जैसे आम बच्चों में फिल्में देखने का शौक होता कुछ था, तो उनका इस तरफ इतना झुकाव नहीं था, तो जैसे जैसे कोई साइंटिफिक जो चैनल थे उनकी तरफ देखते थे, हाइकिंग को उनको काफी काफी शौक था और बर्ड्स को काफी मतलब निहारते थे, जब भी कभी अकेले होते थे या किसी ऐसे प्लेस में होते थे तो उनको बर्ड्स मतलब जो है देखने का काफी काफी शौक था। कई बार उन्होंने मुझे कहा ना कि ये देखो ये फलाना तो पक्षी है ये ऐसे है, तो हमारी जानकारी तो इतनी थी नहीं, तो हमने उसको जरासा दिखाने के लिए बोलते हैं ठीक है ठीक है, उल्टा उल्टा कई बार हमने उसको कोई बुक्स भी दाखिल दी इनको आप देखो। तीन ऑब्जर्वर थे जी जी, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ उन्होंने बचपन से ही हासिल कर ली थी, हाइकिंग और इस तरह के शौक थे। आजकल के बच्चे कीबोर्ड वॉरियर हो गए, मोबाइल लैपटॉप और
फेसबुक और यूट्यूब पे लगे रहते हैं, तो उनके लिए भी मैसेज है अंकल का, और आप देखो आपके सामने लाइव केस स्टडी है। हम लोग केस स्टडीज देखते हैं, हम लोग मूवीज देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, बट यहाँ पे एक लाइव मूवी है, एक लाइव एग्जाम्पल है। फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है।